शुरुआत करते हैं एक नई कहानी की, जिसका नाम है सुखी जीवन का रहस्य। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनवाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श पर ठाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी, जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी का सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्रित करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई है। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्रित किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। शिक्षा: आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता, वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता है। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे दुख सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सोती है, उसी कारण उसे जीव सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वहीं एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नींद नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता है। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता।
अंत है, संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता, यही जीवन का रहस्य है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।